हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन मार्क। फ्रेंड्स, दो चार दिनों के लिए बाहर जाना है तो टेंशन नहीं, कुछ खाने का ले जाना है तो टेंशन नहीं, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी खस्ता पूरी बनाने जा रहे हैं और उसके साथ खाया जाने वाला दिल्ली का मसाला भी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, ये देखिए। इसके लिए मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। ये वही रेगुलर आटा है जिसे हम डेली में रोटी और चपाती बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। इसके अंदर मैं 1.5 टीस्पून नमक डाल दूंगी। फ्रेंड्स, ये हमारे घर की फ्रेश मलाई है। आप मलाई की जगह घी भी यूज़ कर सकते हो इसके मोन के लिए। मैं यहाँ पर मलाई यूज़ कर रही हूँ। हमने 3 कप आटा लिया है तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर 3 टीस्पून पूरे भर भर कर मलाई ले लेंगे। आप ऐसे ही 3 टीस्पून घी ले लीजिए इस जगह। यहाँ मैं इन सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये खस्ता पूड़ी है इसलिए इसे हम आराम से 7 से 10 दिन के लिए आराम से स्टोर भी करके रख सकते हैं। कहीं बाहर जाना हो तो ले जा भी सकते हैं। तो यदि हम जैसे इसके अंदर तेल डालेंगे ना तो थोड़ी सी एक स्मेल आने लग जाएगी बाद में, और यदि आप घी या मलाई का यूज़ करेंगे तो प्रॉपर इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये स्मेल भी नहीं आएगी इसमें से। अब बाकी आपकी इच्छा है, आप जो यूज़ करना चाहते हो आप वो यूज़ कर लीजिए। ये हमारा देखिए अच्छे से आटा मिक्स अच्छे से हो गया है। इसका आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप दूध और 1/2 कप पानी लिया है। आप इस जगह पूरा दूध और ये पूरा पानी से भी आटा इसका तैयार कर सकते हो। तो और ये रूम टेम्परेचर का मैंने लिया है और इसे हमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए, एक जो हम पराठों का या पूड़ी का आटा तैयार करते हैं ना, बस सेम वैसा आटा हमें तैयार करना है। इसलिए हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक टाइट डो तैयार करना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने ये इतना टाइट डो तैयार कर लिया है, ये देख रहे हो आप। और इतना आटा तैयार करने के लिए मेरा 1 कप दूध पानी लगा है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 10 मिनट हो गए हैं। अब हम ये आटे को देख लेते हैं। ये देखिए पूरा आटा अच्छे से हमारा सेट हो गया है। अब हम इसके अंदर से एक लोई तोड़ लेंगे। आपको जितनी बड़ी लोई चाहिए आप अपने हिसाब से आप उतनी बड़ी एक लोई ले लें। और इसे बेलने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गेहूँ का आटा लिया है पलेथन के लिए। यहाँ मैं इतना बड़ा लोया ले लूँगी और इसे मैं एक पलेथन में डिप कर लूँगी और इसे हम बेल लेंगे। फ्रेंड्स, हमें यहाँ इसे फलके से थोड़ा सा मोटा बेलना है और ज़्यादा भी मोटा नहीं बेलना है। जैसे हम पूड़ी बनाते हैं ना, बस उतना मोटा हमें बेलना है। और इसमें मोन अच्छा डला हुआ है तो हमें इसमें ज़्यादा बेलने में जैसे ना तो दिक्कत आएगी और ना ही इसमें हमें बार बार पलेथन लगाना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसे इतना पतला बेला है। ये हमने बेल के तैयार कर लिया है। ये देखिए आप, इसे मैंने इतना पतला बेला है। जो हम पूड़ियाँ बनाते हैं ना, बस उतना बेल के हमें तैयार करके रखना है। इसे पलेथन में डिप कर देंगे। इसे मैं आपको एक बार और बेल के बताती हूँ। इसे हम एक बार आटे में डिप कर लेंगे। बस हमें एक बार ही लगाने को चाहिए क्योंकि हमने इसके अंदर मोन अच्छा डाला है तो हमें इसमें ज़्यादा भी पलेथन की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, जितनी पूरी मोटी रहती ना उतनी मोटा हमने इसे बेल के तैयार किया है। ये मैं यहाँ ऐसे सारे बेल के तैयार कर लूँगी। अब मैं आपको इसे सेक के बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा तवा गर्म है। अब ये इस पर डाल दूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ हमें गैस की फ्लेम लो रखना है। फिर हम इसको पहले दोनों तरफ से सेक लेंगे। इसे मैं पलट दूँगी। फ्रेंड्स, जैसे हम बाहर जाते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम क्या खाएं, और खाने में फिर हमें हेल्दी भी चाहिए और जिससे पेट भी भरा जाए और हेल्दी भी रहे, ऐसा क्या खाएं। पूड़ी भी हम जैसे कढ़ाई की पूड़ी जो तल कर ले जाते हैं वो भी एक टाइम खा लेंगे, 2 टाइम खा लेंगे, बाकी वो ख़राब हो जाती है। लेकिन ये वाली खस्ता पूड़ी आपकी 8 से 10 दिन भी ख़राब नहीं होगी। आप इस मेथड से बनाइए, आप इजी से इससे पेट भी भरा जाएगा। और आप इसे मूँगफली की चटनी के साथ में, चिल्ली की चटनी के साथ में, सूखी जो ड्राई चटनियाँ होती है उनके साथ में आराम से खा सकते हो, और अचार के साथ में इसे खा सकते हो। ये देखिए, मैंने इसे यहाँ पर ये पलट दिया है। यहाँ हमें गैस की फ्लेम लो रखना है और इसे मैं सेकने के लिए थोड़ा सा घी ले रही हूँ। यहाँ हम ऊपर से थोड़ा सा घी लगाएंगे, इसे फिर पलट देंगे। फ्रेंड्स, इसे पराठे सेकने का आता है,
दबाने का जिसको बोलते हैं, और एकदम लो फ्लेम पर हमें इसे दबा दबा कर इसे सेकना होगा। ये देखिए, अब इसे एक बार पलट दूंगी। फ्रेंड्स, इसे दबा दबा कर जब हम सेकेंगे तो ये बहुत अच्छी सिकाई भी हो जाएगी और ये एकदम क्रिस्पी बनेंगे, मतलब खस्ता बनेंगी। तो इसे हम दबा दबा के तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, इसे सेकना ही मैंने, इसे एक बार आपने जैसे सेकना शुरू कर दिया ना तो आपको आ जाएगा वो, तो आप एक आधी बार जैसे इसको सेकोगे ना तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। ये पूरा एकदम क्रिस्पी हो जाएगा जब ठंडा होएगा, एकदम खस्ता पूड़ियाँ होती ना हम खाते हैं जो, वैसा हो जाएगा तैयार। ये देख रहे हो आप इसकी सिकाई, और ये इतने ही खस्ता बनेंगे सब। ये देखिए, ये पूरा अच्छे से सिक गया है। ये देखिए, सब तरफ से बताती हूँ। ये देखिए, मैं एक और सेक के बताती हूँ। यहाँ हमने गैस की फ्लेम को लो रखा है, इसे आप जितना लो फ्लेम पे बनाएंगे ना उतनी अच्छी बनेगी ये। और आप देख रहे हो मैंने ये सिर्फ इसको पूरी जितनी मोटी बेली है। ये एक बार इसे हम पलट देंगे, जैसे हमें कहीं बाहर का खाना नहीं है, लंबा सफ़र है और हमें इसे लेके जाना है, हमें हेल्दी भी खाना है और हमारा पेट भी भरा जाए और हेल्दी भी रहे। फ्रेंड्स, यहाँ हमें घी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हमें इसे सेकने के लिए बस हल्का सा घी लगाना है, इतना कि बस ये हल्का हल्का इसकी सिकाई हो जाए और कलर अच्छा आ जाए। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया। ये देखिए फ्रेंड, हमें इसे दबा के दबा कर सेकना होगा, हमें यहाँ घी का यूज़ बिल्कुल कम करना है। ये थोड़ा सा घी बस हल्का सा हमें इसे पे लगाना है, ये बस चम्मच फेरना है, बस इतना सा घी लगाना है। अब इसे मैं पलट कर इसको भी दबा दबा के सेक लूँगी। फ्रेंड्स, इसे आप लो फ्लेम पे सेकिए और कॉर्नर से दबा दबा के इसे सेकते जाइए। खाकरे से और पूरी से बिल्कुल डिफरेंट है, ये हमारी खस्ता पूरी तैयार हो रही है जो कि हम इसे 10 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अचानक कहीं बाहर जाने का आ जाता है हमारा, या हमारे पेरेंट्स का जाना भी ज़रूरी रहता है, तो हम बाहर तो कुछ खा नहीं सकते, तो ऐसा हम साथ में क्या ले जाएं, वो हेल्दी भी रहे और हमारा पेट भी भर जाए। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बनाना भी इजी है और ये ले जाना भी इजी है। फ्रेंड्स, ड्राई स्नैक्स है तो आप इसे आराम से कैरी भी कर सकते हो। ये देखिए, ऐसे हमें बस इसे पलट पलट कर इसे सेकना होगा। और ये एकदम खाकरे से एकदम डिफरेंट है और पूरी से एकदम डिफरेंट है। ये देखिए, मैंने इसे पलट दिया। फ्रेंड्स, आप इसे चाय के साथ में, और सुबह सब खाली पेट चाय नहीं पीते तो उस जगह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप इसे आराम से बना लीजिए और इसको स्टोर करके रख सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी अच्छे से ये सेक गई है, ऐसे हमने ये सारी सेक कर तैयार कर लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतनी ज़्यादा खस्ता होती है और क्रिस्पी भी होगी, खस्ता भी होगी, ये खाकरे का टेस्ट नहीं देगी, ये बिल्कुल हमारी जो पूड़ियाँ हम ले जाते हैं ना, कढ़ाई की पूड़ियाँ जो साथ में हम ले बना कर ले जाते हैं, तो वो टेस्ट देगी ये, और ये हेल्दी भी रहेगी खाने में, इससे पेट भी भर जाएगा आसानी से। क्योंकि हम जैसे खाकरा वगैरह खाते तो वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, और जैसे जब हम कभी जैसे कोई पूड़ी नहीं तल सकते तो उसके ऑप्शन में है कि हम इस तरह से पूड़ियों को सेक कर आराम से कैरी करके ले जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी खस्ता पूड़ियाँ तैयार है। अब हम इसके साथ में तिल्ली का मसाला तैयार करते हैं, वो मैं आपको बना के बताती हूँ। उसके साथ में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगेगी। तो चलिए अब तिल्ली का मसाला बना लेते हैं। यहाँ फ्रेंड्स, हम तिल्ली का मसाला बना रहे हैं। इसके लिए मैंने एक पैन रख दिया है। यहाँ मैं 2 से 3 टेबल स्पून तेल डाल दूँगी। फ्रेंड्स, आप जो तेल खाते हो आप वो तेल यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून तेल लिया है। यहाँ तेल अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ मैं 1/4 टीस्पून हींग पाउडर डाल दूँगी, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून सीकी सोप पाउडर है ये। हम सोप को अच्छे से पहले कढ़ाई में सेक लें और उसे पीस लें। 2 टीस्पून सोप, 1/4 टीस्पून मेथी का पाउडर। मेथी दाने को आप कढ़ाई में पहले रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद में मिक्सी में इसे पीस लीजिए। फ्रेंड्स, मेथी पाउडर का टेस्ट आपको आलू की सब्जी में, तिल्ली के मसाले में, और अधिकतर जो भी हम जैसे पराठे वगैरह बनाते हैं उसके मसाले की फिलिंग बनाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप ये मेरी टिप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। 1 टीस्पून सौंठ पाउडर। फ्रेंड्स, यहाँ हम अभी अदरक का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम ये मसाला हमें ड्राई बनाना है, तो यहाँ मैं सौंठ पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आप अदरक को सुखा कर
उसे मिक्सी में पीस लीजिए तो आपका सोट पाउडर तैयार हो जाएगा। ये सारे मसालों को हम अच्छे से पहले भून लेंगे। यहाँ मैं ये 3/4 कप तिल्ली ले रही हूँ, इसमें डाल दूँगी और इसे हम अच्छे से पहले, क्योंकि हमारी तिल्ली अभी कच्ची है तो इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर तल लेंगे। फ्रेंड्स, ये मसाला आप महीने दो महीने भी आप इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हो। आप इसे बना कर रख लीजिए। ये हम जैसे बाहर जाते हैं तो पराठों के साथ में, क्रिस्पी पूड़ी के साथ में, खाकरे के साथ में, ये सबके साथ में ये मसाला बहुत अच्छा लगता है। ब्रेड के ऊपर भी इसे लगा कर दे सकते हो, आप इसे पापड़ के ऊपर भी लगा कर इसे खा सकते हो। ये बहुत अच्छी इसका टेस्ट आता है। इसके अंदर में 1/4 टीस्पून लाल नमक, 1/4 टीस्पून सादा नमक डालूंगी। फ्रेंड्स, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, इसको खटाई देने के लिए। हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून धना पाउडर। हमारा तिल्ली का मसाला बनकर तैयार हो गया है। यहाँ मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी और आप देखिए कितनी जल्दी से ये मसाला बनकर तैयार हो जाता है। ये मसाला आप खस्ता पूड़ियों के साथ में भी आप इंजॉय कीजिए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब मैं इसको आपको सर्व करके बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी तिल्ली का मसाला और ये हमारी खस्ता पूड़ी तैयार है। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये कितनी ज़्यादा खस्ता है। इसकी कनौरे भी आप देख, इतना हमने मतलब दिख रही है ऐसी लाइट लाइट, लेकिन ये भी अभी बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी। आप इस मसाले के साथ में इसको स्प्रेड कर दीजिए और आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह में भी आप इसे आराम से दे सकते हो। और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। आप इस खस्ता पूड़ियों के साथ में आप अचार भी यूज़ कर सकते हो, तिल्ली का मसाला भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये खस्ता पूड़ी बता देती हूँ कि कितनी ज़्यादा खस्ता है। ये देखिए, आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। ये देखिए, ये देखिए, और ये खाने में भी उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी खस्ता पूड़ियाँ और तिल्ली का मसाला तैयार है। फ्रेंड्स, इसे आप आराम से बिना टेंशन के आउट ऑफ स्टेशन जाइए और इसे भी साथ में ले जाइए और खस्ता पूड़ियों को एंजॉय कीजिए। आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल किचन मार्क को सब्सक्राइब कीजिए। Bye!